हेलो फ्रेंड, आपका स्वागत है हमारे चैनल वैशाली कैंपस में। दोस्तों, देख सकते हैं आंसर के आने के बाद आप लोग होप आप लोग मिला लिए होंगे सही से, कितने कितने मार्क्स बन रहे हैं। तो देखिए, मेरे पास अभी तक जितने इंक्वायरी है उसमें 3 कमेंट आई है सबसे ज़्यादा, जिनके नंबर ज़्यादा हुआ है, किसी के कम हुए हैं। पार्ट ए एंड पार्ट बी के दोनों के बात कर रहा हूँ यहाँ पर मैं, और जिनके बराबर रहे हैं। तो चलिए हम एक एक करके सभी कंडीशन को देखते हैं इसमें कि क्या हुआ है, क्या मिस्टेक है या क्या सही है। तो आप को अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब चैनल को ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि आपको मैं पूरा सही इंक्वायरी और सटीक इंक्वायरी देता हूँ। तो चलिए हम आपको पहले एक कंडीशन दिखाता हूँ। देखिए, इनके पार्ट बी के बात करें, देखिए इनके रोल नंबर और कुछ इन्फॉर्मेशन जो पर्सनल इन्फॉर्मेशन है हाइड कर दिया गया है। तो इसके बाद आप देखिए इनके इनके जो टोटल नंबर क्वेश्चन थे वैलिड इतने, इसके नेगेटिव काटने के बाद रॉ मार्क्स आए थे 20.33। प्रोरेटेड में कोई चेंजिंग नहीं, नॉर्मलाइजेशन में भी कोई चेंजिंग नहीं। तो देख सकते हैं जब प्रोरेटेड में कन्वर्ट किया जाता है तो यहाँ पे इंक्रीज होता ही है नंबर, लेकिन यहाँ पे नहीं किया गया है और यहाँ भी नहीं किया गया है। तो ये कह सकते हैं रेलवे द्वारा यहाँ पे मिस्टेक ज़रूर हुआ है, इसको सही ज़रूर किया जाएगा। अब बात करते हैं इन्हीं का पार्ट ए में। देखिए, तो यहाँ पे वैलिड क्वेश्चन 100, रॉ मार्क्स 3 के थे 39.33। प्रो रेटेड में भी कोई चेंजिंग नहीं किया था, यहाँ भी मिस किया गया हुआ है। यहाँ पे ज़रूर चेंजिंग होगी, और लेकिन यहाँ पे नॉर्मलाइजेशन में इनकी चेंजिंग कर दिया गया है। तो देख सकते हैं, तो रेलवे द्वारा भी कुछ मिस हुई है, उसको सुधार करने की बहुत ज़रूरत है। क्योंकि देखिए, जब प्रो रेटेड में कन्वर्ट करते हैं तो यहाँ तो नंबर इंक्रीज कोई मतलब है ही नहीं। यहाँ तो सबके इन्वर्ट मतलब, ये तो चलिए ये तो पार्ट ए की बात है तो इसी में तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन पार्ट बी में बात करें, जब 75 से आप अगर 100 में कन्वर्ट करते हैं तो यहाँ तो इंक्रीज होगा ही। पार्ट बी के बाद पार्ट ए, ये पार्ट ए था तो यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है, इनका ये सही है, नॉर्मलाइजेशन में सही दिखाया गया। लेकिन देखिए पार्ट बी की बात करें तो यहाँ पर इनके कन्वर्ट होंगे और उसके बाद नॉर्मलाइजेशन में नंबर भी बढ़ेंगे या नहीं सेम भी रहेंगे, लेकिन यहाँ पे ये वाली कंडीशन में तो चेंजिंग होनी ही चाहिए। ये हो गया आपको। चलिए हम अब इसके बाद दूसरे कंडीशन दिखाते हैं। देखिए, इनके पार्ट ए की बात करें तो 97 क्वेश्चन लिया गया था, रॉ मार्क्स 22। प्रो रेटेड देखिए यहाँ पे चेंजिंग आ गई है, लेकिन ऐसे पिछले कंडीशन में चेंजिंग नहीं आई थी, लेकिन नॉर्मलाइजेशन में देखिए इनके नंबर कम गए हैं, यहाँ पे देख सकते हैं। अब चलिए हम बात तीसरा कंडीशन और लेते हैं। यहाँ भी देखिए, रॉ मार्क्स 4.66, प्रो रेटेड में कन्वर्ट हुआ है तो बढ़ा इंक्रीज, नॉर्मलाइजेशन में सेम रहा, तो ये सेम कंडीशन हो गया आपका। यहाँ पे देखिए नंबर बढ़ी फिर कम गई, तो यहाँ भी देख सकते हैं आप लोग। तो बहुत सारी ऐसे इंक्वायरी आ रही है जिसमें नंबर बढ़े हैं, सेम भी रहे हैं, और किसी किसी में अभी भी मिस स्कोर कार्ड में, मतलब अभी भी नॉर्मलाइजेशन मार्क्स, प्रोरेटेड मार्क्स या उसके 100 में कन्वर्ट किया गया है। पार्ट बी की बात करें तो उसमें भी सेम है, तीनों कंडीशन में सेम है। तो आप लोग अब कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपके अपने कितने कितने नंबर बढ़े हैं, सेम रहे हैं, या इंक्वायरी मतलब बराबर रहे हैं, बढ़े हैं या कम हुए हैं। अगर जैसे भी कोई इन्फॉर्मेशन अगर इकट्ठा होती है तो मैं इस पर भी फिर वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आगे पहुँचाऊँगा, जिससे ये सुधार करके दिया जाए। तो यहाँ भी इनके देखें, यहाँ भी इनके नंबर बढ़े हैं नॉर्मलाइजेशन में, लेकिन एक कंडीशन में आपका फर्स्ट दिखाया था वहाँ पे सेम रह गई थी। तो आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को लाइक करें, अगर कोई भी इंक्वायरी है तो कमेंट में ज़रूर बताएं, और आप लोग कमेंट में नंबर के साथ बताएं कितने पार्ट ए में आई है और कितने बढ़े हैं या घटे हैं। तो ज़्यादा से ज़्यादा डिस्कस कीजिए, क्योंकि इसका कोई समाधान ज़रूर निकलेगा। तो जैसे भी कोई अभी आपका ए आई है आंसर, मतलब रिजल्ट अभी नहीं आया है, आपको ये नहीं बताया गया है कि अभी आप सिलेक्ट हुए हैं साइको के लिए या आईटीआई वाले के लिए या पीसीएम वाले के लिए, सिर्फ आपका स्कोर कार्ड बताया गया है। तो आप एक चीज़ और बता दूं कि आप अपना मास्टर क्वेश्चन पेपर क्वेश्चन, उसका कितने क्वेश्चन पे आप कंप्लेंट किए टोटल चेक कर सकते हैं लॉगिन करके। तो आप लोग लॉगिन करके ज़रूर देखें और कितने कितने नंबर इंक्रीज हुए हैं ज़रूर बताएं। जैसे ही कोई इन्फॉर्मेशन आती है तो हम आपके साथ मिलते हैं। थैंक यू सो मच।